नमस्कार, आज हम मौजूद है बाबा बालक दास आश्रम एसी नगर एनआईटी फरीदाबाद में। यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम है किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार है जी। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये हमारे गुरु जी थे बाबा बालक दास जी जिनकी पुण्यतिथि थी जी, उसके उपलक्ष्य में 8 तारीख का उनका सत्संग होता है, 9 तारीख का उनका प्रचार किया जाता है। कितना पुराना आश्रम है ये? जी सर 70 से पहले का ही। इस आश्रम की खासियत क्या है? खासियत ये है कि जी इसमें सोशल वर्क, किसी गरीब बेटी की शादी के लिए, और जैसे कि अपना किसी के घर में कोई नाते रिश्तेदारी होती है, जैसे कि किसी को फंक्शन हुआ वो अटेंड करवाते हैं। इसमें अपना स्कूल चलता है बच्चों का, एक एनजीओ के थ्रू और एक आंगनबाड़ी चलती है जी। जी ऐसे ही हम सोशल वर्क करते रहते हैं जी हमेशा सर, समय समय पर। और जो साधु संत आते हैं उनकी सेवा करते हैं शुरू से ही। आज जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भंडारा चल रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? काफ़ी दूर से लोग, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बहुत दूर दूर झांसी वगैरह। जो बाबा बालक दास थे ये कौन से कवि थे, क्या थे ये? कवि थे, कवि कवि थे कौन? कवि साहब, कवि साहब थे जो उनका लिकास है काशी बनारस थे। बाबा क्या नाम आपका? जी आप क्या कहना चाहते हैं इस आश्रम के बारे में और अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा यह संदेश है कि जो बालक दास हैं सिद्ध पुरुष। आप पीछे देख सकते हैं कि इसमें बाबा बालक दास की मूर्ति लगी हुई है और उनके साथ जिनके नेतृत्व में आज प्रोग्राम हो रहा है उनके पिताजी का क्या नाम? आपके पिताजी का जिनकी मूर्ति लगी? चरण सिंह जी। चरण सिंह चरणदास जी था जी, और उनको चरण सिंह बेट जी भी कहते थे। उनकी समाधि लगी हुई है यहीं पे जी, उनकी बॉडी लगा रखी है और उन्हीं की नरेश स्टैचू बनवा के लगवा रखी है सर जी। और जिसको जो कि 2010 में उनका शरीर पूरा हुआ था, जिस उपलक्ष्य में मैंने 26/6/2010 में उनका सत्संग और भंडारा करवाया, उसी टाइम मैंने ये मूर्ति लगवाई। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भी पहुँचे हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं आज यहाँ पर? बालक दास आश्रम पे हम बहुजन समाज पार्टी की जो है पूरी यूनिट पहुँची है। माननीय प्रभारी जगदीश जी पहुँचे हैं, के एल गौतम जी हैं, राजकुमार सरपंच जी हैं, महावीर जी हैं और तमाम सम्मानित साथी जो यहाँ पहुँचे हैं। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर प्रोग्राम होता है, रात को सत्संग होता है और सत्संग में रविदास और कविदास की वाणी पर पूरा विश्लेषण होता है और बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मैं भी जो रात यहाँ पर सत्संग में था और आज दिन में जो है एक भव्य भंडारे का जो आयोजन किया जिसमें हजारों लोगों ने जो है यहाँ पर भोजन कर बाबा की याद में भोजन प्रसाद ग्रहण किया। और हम तो ऐसे महापुरुषों से, महासंतों से जो है यही आशा उम्मीद करते हैं कि हमारे ऊपर दृष्टि अपनी बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना और इस देश में प्रगति जो है, एक अच्छे विचार, एक भाईचारा, एक सत्तामूलक समाज जो इस देश में हमारे संत और महाराज महापुरुष चाहते थे उस देश की, इस देश में कल्पना हो। तो आज हम इसी के साथ सभी साथियों का धन्यवाद। चलिए शुक्रिया।